और चमन में रोगानी रोड पर एफसी की गाड़ी के करीब धमाके से दो एफसी अहलकारों समेत तीन अफराद जख्मी हो गए हैं। मजीद अपने नुमाइंदे मुतीउल्ला से जानते हैं। मुतीउल्ला, अपडेट कीजिएगा। धमाके की उस जगह पर मौजूद हूँ। चमन का तबलीगी मरकज रोड है, यहाँ पर मेन रोड है, यहाँ पर इस शाहरा से ये शाहरा चमन शहर को मुख्तलिफ गाँव से मिलाती है। इस मेन शाहरा पर यहाँ पर अब से कुछ देर कबल सिक्योरिटी फोर्सेज एफ सी जो है उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। धमाके के नतीजे में जो है दो एफ सी एहलकार और एक आम सिविलियन जो रिक्शे में सवार था वो इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं जिसमें जहाँ पर धमाका हुआ था, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। और इस वक्त तक डिप्टी कमिश्नर, कमांडेंट एफ सी, एसएसपी पुलिस और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है वो जयवकों पर पहुंचे हुए हैं और जयवकों को घेरे में लिया है और जो है वो शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इससे कबल भी चमन में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया गया था। तहम एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेज गाड़ी को निशाना बनाया है। धमाके के नतीजे में जो तीन अफराद जख्मी हुए हैं उनको मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किया गया है। तहम अब कुछ कहना कबल अस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे वो तफ्तीश कर रही है इस हवाले से कुछ कहना कबल अस वक्त जब जो 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 तफ्तीश है उसका अमल आगे बढ़ेगा तो जो इसके मरक्कात है वो भी सामने आ जाएंगे। जी।